भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे गांधी स्मृति कमल पद यात्रा चेतना तिराहे से निकाली गई, जिसका नेतृत्व भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे, महानगर मंत्री बीएन सिंह, सुबोध श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों से जनसंपर्क करके केंद्र और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और स्थानीय जनता को सरकार की उपलब्धियों का पत्रक भी दिया तथा उन्हें बताया कि सरकार आपके साथ है और देश तथा प्रदेश का विकास कर रही है। पत्रक दे रहे कार्यकर्ताओं ने लोगों से 2019 में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। पद यात्रा के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे तथा पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, हमारा धर्म है इस बार मोदी जी को पूरा देश का क्रांति बना जाए और भारत विश्व गुरु बन सके, इसलिए हम लोग आग्रह कर सकते हैं। गांधी जी के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर कमल संदेश यात्रा हर जन तक पहुंच के हम लोग केंद्रीय और प्रदेश सरकार की जो विकास कार्य हुए हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को प्रसन्नता है कि जब हम आमजन मानस से मिल रहे हैं वो बहुत ही खुश हैं और कह रहे हैं कि आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो महिलाओं के लिए सोचे, गरीबों के लिए सोचे, युवाओं के लिए सोचे, और सिर्फ भाजपा सरकार ही ऐसी है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का नाम आगे किया और देश के नाम को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके भवन की व्यवस्था, उन और उनके ही लिए आज स्वास्थ्य के लिए गरीबों के लिए 5 लाख का जो बीमा योजना है और बहुत ही ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनमानस उसे पूर्णतः संतुष्ट है और वो खुद में ही मोदी की जय जयकार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए क्या उसका असर 2019 के पर नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग जनता के उस जो आशीर्वाद है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, किसी थोड़े से उससे हम लोग विचलित नहीं होते और हम लोग भाजपा सिर्फ काम करना जानती है और इस परिणाम से हमें कमियां कहाँ रह गई हम सीखने के लिए, ये हम लोगों के लिए एक इम्तिहान है। और आप देखिएगा 19 का जो चुनाव है वो ऐतिहासिक होने वाला है। पिछला 2014 का रिकॉर्ड तोड़ के मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इस देश का विकास, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं का सम्मान अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ भाजपा, सिर्फ भाजपा, सिर्फ भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी इकाइयाँ 1 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक यह हमारा अभियान पदयात्रा के माध्यम से जनता से सीधे मिलने का और उनकी समस्याओं को सुनने का और अपनी सरकार यानी मोदी जी की जो 4.5 वर्षों की उपलब्धियां और योगी जी की जो अपनी लगभग 1.5-2 वर्षों की उपलब्धियां हैं लेकर के जनता के बीच में जाकर के उन उपलब्धियों की चर्चा करना। यह सत्य है कि 70 वर्षों में या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में या तो सदैव मोदी जी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में सर्वाधिक काम हुए हैं जो जनता जी से लाभान्वित हुई है। हम लोग उन योजनाओं को लेकर के जनता से संपर्क करने का कार्यक्रम संपन्न कराए हैं और इसी निमित्त 1 दिसंबर से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के सभी वार्डों में हम लोगों ने उस कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी पूरी महानगर इकाई, महिला मोर्चा, हमारे युवा मोर्चा के साथ ही सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के और सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जनता से संपर्क किया है। आज हम लोग यहाँ पे अभी व्यापारियों से संपर्क करके और उन्हें 2019 के लिए माननीय मोदी जी के
पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए अपील करते हुए, और साथ ही साथ कल उसका समापन है 15 तारीख को, जो हम लोग हर विधानसभा स्तर पे, शहर और ग्रामीण में भी विधानसभा स्तर पे हम लोग उसका समापन करेंगे। आज हम लोग व्यापारियों से मिल करके और उनसे आग्रह करेंगे, और जनता से हम लोगों ने आग्रह किया है कि 2019 में एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए अपने योगदान प्रदान करें और सदैव मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें। नहीं, कोई असर नहीं डालेगा। निश्चित तौर पर आप ये देखें कि जिस प्रकार जनता का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, हम इस बात को दावे के साथ आपसे कह सकते हैं कि 2019 में पुनः ये देश की बागडोर सदैव मोदी जी संभालेंगे, ऐसा हम सभी को विश्वास है।